लोगों पर गोली तो चला बैठा, क्यों? सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं ना, लेकिन एक इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? जरूर उठाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवार रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर कर कर बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर हाथ में हमला कर सकते हैं, और जब बंद हो गए तारे के तारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो पता नहीं उसने सवार रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा लिए। गिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए शायद जान लेने पर मजबूर हो गया हो। कहीं आप यह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत सदा हो गया कि उसने गोली चला दी? जिस रात रामचंद्र ने गोली चलाई, हत्या की, उस रात इन दोनों ऑफिसर के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, सबूत और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रही हैं। कौन आदमी कब कैसे और क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं है। लगता है कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आई है, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहते हैं विजय पुरी, बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं, ले बैठी मैं एक बड़े सत्य, लंबी लड़ाई की बातें। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सुबेदार साहब को एक बार फिर कमाई के लिए बुलाया जाए, मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सो साहब, बिल्कुल मत सोचे कि परेशान करने के लिए आपको फिर गवाही के लिए बुलाया। आप तो जानते हैं सुबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच बना पुल। जवानों की शिकायतें, उनके दुख सुख इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं, और सीओ भी इसी पुल से चलकर आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। क्यों, कोई गलत बात तो नहीं कह रही ना मैम? नहीं मैम। साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, जबकि रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था? नहीं मैम। रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन साहब की अर्दली की ड्यूटी दी गई। सीओ ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, तैयारी करे। लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार, क्यों? आखिर क्यों? मैम, कैप्टन कपूर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को मैं उनका सेवादार लगाऊं। बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी करेगा? कैप्टन कपूर ने कहा कि वो दौड़ की तैयारी खुद कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर के दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं, मुझे उनकी बात ठीक लगी। कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा, कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए। सीओ ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? जी मैम। फिर आपने पूछताछ की होगी, कोई एक्शन लिया आपने रामचंद्र के खिलाफ? पूछा था मैम। रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब प्रैक्टिस के टाइम हर का कोई ना कोई काम बता देते। साहब, सेवादार की ड्यूटी क्या होती है, उसे अफसर का सहायक, मेरा मतलब अर्दली, क्यों लगाया जाता है? मैम, रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना। लेकिन मैम आपको, लेकिन उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले से पहले ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन साहब की अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया। लगातार 10 दिन की प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने यह मुकाबला जीत लिया। वेरी
सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दीजिए, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? मैम आपको जानती है, रामचंद्र छोटी जाति से, कैप्टन साहब उसे ओए हरिचंद कहकर पुकारते। रामचंद्र ने मुझसे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की, अगर कैप्टन कपूर उसे हरिचंद कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? हरिचंद शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, अगर रामचंद्र को हरिचंद कहा गया तो ये गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए? नहीं मैम, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब उसे गाली देते, चूड़ा और फंगी कहकर पुकारते हैं सबके सामने, उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी और चूड़े का पुत्र पुकारते। फिर क्या किया रामचंद्र ने? उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि वो अफसर का काम करने से इनकार कर दे? आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है, उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं मैम। क्यों आखिर क्यों? एक दिन तो अति हो गई। कौन सी अति हो गई? एक दिन कैप्टन साहब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे, ड्रॉइंग रूम में ही एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा, उसने इनकार कर कैसी भाषा में बताए? पॉटी मतलब टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सब मेहमानों के सामने कहा, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है, तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी अपने सिर पर धोते आ रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं मैं, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोल। मैंने कई बार झूठ सुना है इन गालियों को अपने कानों से। आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं मैं, सोचा इतनी गंदी बात ना ही फैले तो ठीक। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब, अन्याय की बात को कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए, उसे तो हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन आप शायद जानते रहे कि छोटा न्याय हमेशा बड़े न्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ के नोटिस में ये बात दिलाते तो शायद ना वो खून होता ना ये कोर्ट मार्शल। मैंने सोचा, बिल्कुल ठीक सोचा साहब आपने, सरकारी बेवकूफ है जो कैनल को सीओ बनाती है, उसे तो सुबेदार को ही सीओ बनाना चाहिए, जो ठीक है ना? मुझसे गलती हो गई मैम, मुझे सीओ साहब को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, ना तो फिर ये कोर्ट मार्शल होता और ना ये खून होता। खून तब भी होता, आपसे कोई गलती नहीं हुई सुबेदार साहब, इस व्यवस्था का यही नियम, छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप जा सकते हैं अपनी जगह वापस, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। सर मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। कैप्टन आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर आपको ही फोन पर बुलाया है। वहां से कौन है, कौन बात करना चाहता है? सर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर खुद जनरल साहब। दो मिनट का ब्रेक। स्टॉप कैप्टन रॉय, आई वांट टू टॉक टू यू। बोलो, तुम चाहे जी भर कर मेरी बदनामी कर लो लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकते। ना वो तुमने पहले भी कहा था ना मुजरिमों से बात नहीं करती। मुजरिम कहां सो गया? यू ब्लडी
किया? कोई खास बात? सर, कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने उन्हें प्रमोशन के लिए बधाई दी है सर। Congrats for your promotion to brigadier. We must celebrate. Yes, Captain, we must celebrate. But first, let's start with the cold swamp. Sudan, if you're ready. Sir! Captain B.D. Kapoor. So, Captain Kapoor, ये पदक आपको किसके दिए गए? Well, I got this पदक। आप हिंदी में जवाब दें। सर, मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be allowed to speak in English. आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर BA वहीं से किया। ओ, आप ये पास हैं, बधाई। मैंने आपके प्रमाण पत्र, मेरा मतलब सर्टिफिकेट देखे। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं हिंदी ठीक से बोले नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कलकत्ता में जन्मी, वहीं पढ़ी, फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। खैर छोड़िए, तब तो जवानों से आप अंग्रेजी में बात करते होंगे, तो ठीक है ना? टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेता। टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन बी डी कपूर? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, मेरा मतलब इंसल्टेड महसूस करते हैं, क्यों? ठीक है ना? ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेजी में बात करते आ रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है ये। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए परसों बीत गए, लगता है अभी उनका हैंगओवर खत्म नहीं हुआ। यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा है। शायद कैप्टन कपूर अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकता है, लेकिन स्पीक इन इंग्लिश। सर, रामचंद्र ने आपकी शिकायत सुबेदार साहब से क्यों की कैप्टन बी डी कपूर? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते, निजी जाति के लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा तो यही होगा। बात बात पे शिकायत और शामिल, इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन होता जा। भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़े कैप्टन बी डी कपूर, ये बताएं खानदानी लोग क्या होते हैं? घरों के लोग जब भूखे नंगों को फौज में भर्ती किया जाए और भर पेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग तो फिरेगा नहीं? फिरेगा, जरूर फिरेगा। आप तो खानदानी है, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछले चार पुरुषों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IMS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। We belong to ruling class. बहुत बड़ा और भारी आपका वंश वृक्ष। Yes, and I am proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? रिटायर्ड एज अ DIG। IG नहीं बन सकते? DIG कम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि DIG कम होता है? लेकिन 5 साल में 2 बार सस्पेंड हुए। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं हो सका। The game of with flying colors. सर, कैप्टन रॉय को किसी के माँ बाप पर टीचर उछालने से रोका जाए, आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्च? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का या सवाल रामचंद्र? नहीं पूछूंगी ऐसे सवाल, अब नहीं पूछूंगी। मैं तो खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी, अब समझ में आ गया मुझे इसका। आपका परिवार काफी समय से चंडीगढ़ में है, आपके साथ नहीं। आप खाना तो मैं खाते होंगे? नहीं, घर में खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है? खाना बनाने के लिए नौकरानी पत्नी चंडीगढ़ में। What do you mean, Captain? आपकी आदाश शायद थोड़ी कमजोर है कैप्टन बी डी कपूर। पिछले कई महीनों से आप ऑफिसर मेस या घर में खाना नहीं खा रहे? हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा क्या खाता था? क्या अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? अच्छा, आजकल तो अफसरों को फ्री राशन मिलता है ना? हाँ मिलता है। तो आप अपने दोस्त के घर रोटी खाते रहे तो फिर उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? मुफ्त राशन मैं अपने नौकरों में बांट देता था। नौकरों को नहीं, मुफ्त राशन आप नौकरों को नहीं देते थे कैप्टन बी डी कपूर। पिछले कई महीनों से आप अपने सेवादार को ये राशन बेचने के लिए सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड संस की दुकान पर भेज रहे हैं। पेश करूं दवाई के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते
कैप्टन बीटी कपूर और ऑफिसर भी तो भेजते हैं। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था कि नहीं? लगता है अगला कोर्ट मार्शल भी तुम्हारा न करना पड़े। सर अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए कैप्टन बीटी कपूर? सेना में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा और मुझे दौड़ में हरा के वो कोई सुपरमैन तो बनने गया? नहीं बिल्कुल नहीं, सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि दिन रात शराब पीते हैं। आपका मैच का शराब का बिल देखकर जियो आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को एम को गहरी चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए, उसे पद पद पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं तो दुश्मन हो गया रामचंद्र का? दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। नाउ यू आर टॉकिंग बुलशिट। छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग, जैसे कि रामचंद्र को, ठीक है ना? अच्छा क्या आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन बीडी कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और फिर भंगी को भंगी बुलाया जाए तो क्या क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं हुआ कैप्टन भिखारी दास कपूर। एक से पुकारो मेरा नाम, आई एम बीडी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा। भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपके परिवार वालों ने आपका ऐसा नाम क्यों रखा? सर इनके खानदान में एक अंधविश्वास, अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा घटिया रखा जाए, जैसे कि भिखारी दास कपूर। आई एम बीडी कपूर, आई डोंट क्वालिफाई विद द नेम। अगर आप चूड़े को चूड़ा और भंगी पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकती? कैप्टन भिखारी दास कपूर। मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा और भंगी कहकर पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जन के हो ना मर्द, इंपॉर्टेंट क्रूअल एनिमल। जवाब देते समय जान जाती है। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान
चाहे बराबर का अधिकार दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे। डप्पू डरपोक कायर, शपथ लेने के बाद भी सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते हो। मैं कहती हूँ कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र। मैं गाली भक्तो, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सर रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई, तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। रामचंद्र, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ सच सच बताओ, बहादुर से जिए हो, बहादुर से मरना सीखो। बोलो बोलो, क्या क्या इन दोनों ने तुम्हारे साथ? सर बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे सर? चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मैं रंग देख कर मुझे जितना चूड़ा पुकारते थे। उस्ताद की रात तुमने इन्हें रुकने के लिए ललकारा नहीं, फिर क्यों रोकी इन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास? मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर तैनात होता था, ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सुबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? बहुत गंदी गाली थी मैम। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र बोलो, तुमने सच बोलने की शपथ ली है। चिट्टे चूड़े हराम की औलाद, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या परवा के साथ होगी। रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की है, तो मेरे लिए साबित करने का कुछ बचा नहीं। बेशक कैप्टन रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुर्म हुआ है, अगर हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो। विरोध करने के कई और तरीके हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिया दिखाई, उसे तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में नीति घुसने और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती कोई जगह। रामचंद्र अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। अगर मान मिले कि दोनों ऑफिसर ने उसे गालियां दी, तंग किया, तो ये एक नैतिक जुर्म है, लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र ने खून किया है, खून। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट मंत्र तथा इंडियन पीनल कोड की तथा 302 के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। मेजापुर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते,
प्रश्न तो ये है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं, जो अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पांच रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है पार्टी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून में, संविधान में सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार हम तो हाथ उठाकर अपनी ओर देखने का हक तक देने को तैयार करें नहीं। इसका कारण वे सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील में जब उन्होंने जवाहर रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से, अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार, अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार, उसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, उसे इंडियन नामी एक्ट 69 तथा इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के अनुसार हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड बार 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 मृत्यु दंड। बताओ डेथ ऑल। आप लोग बाहर जाए, रामचंद्र
आज रात को मेरे मेहमान हो, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। रामचंद्र नहीं है अभी तक। बस आता ही होगा। रामचंद्र। रामचंद्र। साहब कार पार्क कीजिए, खड़ी करो दरवाजे के आगे। नहीं, सीओ साहब का ऑर्डर है। तुम खड़ी कर दो, मुझे पहले देर। खुद खड़ी करो। मैं किसी का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। कैसे बात कर रहे हो मुझसे? जानते नहीं अफसर की बात ना मानने की सजा? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा सीओ साहब से। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना, मेरा नाम भुजंग बहादुर सिंह है। निशाना कभी नहीं चुकता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे हाथ मिलाने की? And don't show me your dirty face ever in life. Out! कल बाहर कुछ हुआ है, हम देख कर आते हैं। सर बाहर कुछ हुआ है, मैं देख कर आऊं। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ है। Poetic justice. मैं समझा नहीं सर। जब दुनिया की अदालत इंसाफ ना कर सके तब कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ कर देता है। लो, एड्रेस लो। सर, मैं शराब नहीं पीता। सर, कैप्टन कपूर ने खुद को गोली मार ली सर, खुद खुशी कर ली सर। रामचंद्र, तुम्हें बॉक्स से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। मैं कल सुबह तुम्हें सजाए मौत दे रहा हूं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय मृत्यु दंड का कुछ नहीं। आप जो देंगे सिराखों पर। क्या फिर एक भी होगे? आखिरी जाम मेरे साथ पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू रामचंद्र।